किसान आंदोलन का आज 19वां दिन, कृषि कानून के खिलाफ एक दिन का अनशन। आज शाम 5 बजे तक अनशन का ऐलान, दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटे किसान हो रहे हैं शामिल। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक 40 किसान नेता कर रहे हैं अनशन, सिंगू बॉर्डर पर 25 नेताओं का उपवास। यूपी बॉर्डर पर 5 किसान नेताओं का उपवास, 60 साल के बुजुर्ग किसान का मौन विरोध। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज, रणदीप सुरजेवाला ने कहा 73 सालों में भी पहली बार है कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास जुटे किसान, कड़ाके की ठंड में सड़क पर धरना। किसान नेताओं ने कहा अब तक 11 किसानों की शहादत, सरकार को झुकाने की मंशा नहीं, अपनी मांग पूरी कराना मकसद। राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का प्रदर्शन, 10 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। शाहजहांपुर के पास हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए किसान, निकाला था दिल्ली चलो मार्च। दिल्ली चलो मार्च में किसानों के साथ मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव समेत कई हस्तियां शामिल, हरियाणा में आने की इजाजत नहीं। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने का किया था ऐलान, लेकिन जाम के चलते डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। जयपुर के नजदीक कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी जाम, किसानों के जमावड़े से बिगड़े हालात। दिल्ली पर डटे सीमाओं पर किसान, लंगर के साथ गीत संगीत का इंतजाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी, लेकिन आवाजाही के लिए खुल गया था रास्ता। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का समर्थन, दिल्ली में सीएम भी उपवास पर, आपके कार्यकर्ता भी किसानों के साथ, पार्टी दफ्तर पर एक दिन का अनशन। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल से केंद्र सरकार पर निशाना पूछा, कि आंदोलन का समर्थन करने वाले पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और डॉक्टर भी एंटी नेशनल है। किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल में फिर से भिड़ंत, पंजाब के सीएम ने केजरीवाल को कहा बेशक। अरविंद केजरीवाल का जवाब, अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। केजरीवाल के उपवास पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट, ये आपका पाखंड। केजरीवाल का जवाबी ट्वीट, उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास करिए। मध्यप्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी साधा किसानों के आंदोलन पर निशाना, कहा आंदोलन के पीछे एक वर्ग विशेष का षड्यंत्रकारी रवैया। पानीपत में दिखी किसान आंदोलन की अजब तस्वीर, टोल प्लाजा पर डटे किसानों के नाच गाने के दौरान लुटाए गए नोट। बरनाला में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया का जोरदार विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। झज्जर में आंदोलनकारी किसानों ने डिवाइडर पर शुरू की खेती, मूली गाजर और गोभी के रोपे बीज। उत्तराखंड के किसानों ने कृषि मंत्री तोमर से की मुलाकात, नए कृषि कानूनों पर जताया समर्थन। उत्तराखंड के किसान अपना समर्थन व्यक्त किया, इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर जाएंगे किसान नेता, नए कानून खारिज करने के लिए सौंपेंगे चिट्ठी। दिल्ली में एनएसयूआई नेता अपनी शादी में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे, किसान आंदोलन के प्रति जताया समर्थन। मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने की रैली, कहा कुछ लोग नहीं देख सकते किसानों का विकास। पंजाब के डीआईजी लखमिंदर सिंह ने दिया इस्तीफा, किसान आंदोलन के समर्थन में छोड़ा पद। आरएसएस समर्थित स्वदेशी जागरण मंच की सलाह, किसानों को मिले एमएसपी की गारंटी। स्वदेशी जागरण मंच ने पास किया प्रस्ताव, एमएसपी से नीचे फसल खरीदने को बनाया जाए गैर कानूनी। मध्यप्रदेश के बड़वानी में खेत में सड़ रहे तरबूज, कम दाम मिलने के चलते मंडी नहीं जा रहे किसान। पुंछ जिले के दुगरान में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिन के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने का आदेश, 10 दिन के अंदर रखा जाएगा गोला बारूद। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान, सीएम ममता की चुनावी हार, चुनाव की हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार, कहा हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरना चाहती है सहानुभूति। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत, तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते किया सड़क जाम। बंगाल में अब दीवारों पर भी जंग, नारे लिखने को लेकर भिड़े तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता। बंगाल में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कूदी, तृणमूल के दुआरे दुआरे सरकार के जवाब में बजारे बजारे कार्यक्रम, महंगाई को लेकर निकाली पदयात्रा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव, ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 27,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना
से 336 लोगों ने तोड़ा दम, कुल केस 98,84,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 1,984 नए केस, 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट, कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद है मंदिर। जोरदार बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल औली, गाड़ियां पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके। जोरदार बर्फबारी के चलते औली में जुटा पर्यटकों का हुजूम, जमकर कर रहे हैं मौज मस्ती। सर सफेद वादी में पर्यटकों के बढ़े आवागमन से रोपवे में बढ़ा सफर का रोमांच, बरसती बर्फ में कर रहे हैं ट्रॉली का सफर। शिमला में जोरदार बर्फबारी, हर ओर बिछी सफेद बर्फ की चादर। दिल्ली समेत एनसीआर में बड़ी ठंड, अगले दो दिन तक ठंड बढ़ने का अलर्ट। दिल्ली के शकूल बस्ती में महिला से गैंगरेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में शादी से ठीक पहले दूल्हे का अपहरण, कुएं में मिला शव। लखनऊ में मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही है जांच। मंदसौर में महिला से गैंगरेप, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद परिजनों ने आक्रोश किया चक्का जाम। सूरत में बेरहमी से हुई हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, हथौड़े से 36 बार किया गया वार। मोतिहारी में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, शराब बनाने की मशीन और भारी मात्रा में शराब बरामद। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चेकिंग के दौरान बस से मिले 1,90,00,000 रुपए। सुकमा में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त हुआ धमाका, डिप्टी कमांडेंट समेत 3 जवान घायल। झालावाड़ में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। एएमयू कैंपस के बाहर किया गया फ्लैग मार्च, पिछले साल 15 दिसंबर को हुआ था बवाल। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में व्यवसायी के घर पर दहशत फैलाने के लिए किया गया धमाका, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हैदराबाद में दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सूरत में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, 3,00,000 रुपए में महिला को खरीद कर लाया था आरोपी। कानपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सिरसा में नाबालिग रेप के बाद हत्या, परिजनों ने परिचितों पर लगाया आरोप। रायबरेली में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस छानबीन में जुटी। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद एक बदमाश गिरफ्तार। बर्दवान में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कन्नौज में छात्रा के साथ 1,10,000 की ठगी, पुलिस जांच में जुटी। सोनीपत में संदिग्ध हालत में लड़कता मिला युवक का शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। हापुड़ में नकली नोट के सौदागरों पर शिकंजा, 1,78,000 के नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में 50 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या, देवर देवरानी पर हत्या का आरोप। मथुरा में 4 दिन पहले हुई लूट का खुलासा, 30,00,000 रुपए के साथ 3 गिरफ्तार। महोबा में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर फायरिंग, बाल बाल बचे निजी सचिव और ड्राइवर। प्रतापगढ़ में मैरिज हॉल में शादी के दौरान लगी आग, आग लगने से भगदड़। शिरडी के साईं दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, उड़ाई गई कोरोना के नियमों की धज्जियां। भरतपुर में 10 गरीब लड़कियों की कराई गई शादी, महिलाओं ने पति से बिना हेलमेट बाइक न चलाने का लिया वचन। गोरखपुर में भी सामूहिक विवाह, एक ही मंडप में मां और बेटी की हुई शादी। बरेली में हुआ था फ्लावर शो, अलग अलग किस्म के फूलों की लगाई गई प्रदर्शनी। ग्वालियर में 9 साल की बच्ची का हुआ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान पियानो बजाती रही बच्ची। शेडोल के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने दिया सामूहिक इस्तीफा, सिविल सर्जन की नियुक्ति से है नाराज। इंदौर में हाईकोर्ट के जज की कोरोना से मौत, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। ऋषिकेश में लहरों में फंसे पर्यटक, पुलिस ने किया रेस्क्यू। कोर्ट के फैसले के विरोध में निकाली रैली में ट्रंप समर्थकों ने उड़ाई कोरोना पाबंदियों की धज्जियां, बगैर मास्क के हुए शामिल। अमेरिका में वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का दावा, 3 हफ्ते में सभी फार्मेसी तक पहुंच जाएगी वैक्सीन। ब्रेक्जिट ट्रेड डील के लिए ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन में आखिरी दिन बातचीत खत्म, नए व्यापार समझौते के लिए ईयू और ब्रिटेन के बीच नहीं बनी सहमति। अफगानिस्तान के बम धमाके से फिर दहला काबुल, कार में भयानक बम विस्फोट में 2 की मौत, 2 बुरी तरह जख्मी। दुनिया में कोरोना के मामले 7,22,00,000 के पार, महामारी में अब तक 16,14,000 की गई जान। अमेरिका में पहली बार पिछले 4 दिन में रिकॉर्ड 10,00,000 कोरोना मामले, अब तक 1,65,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन में कोरोना के 24 नए मामले आने के बाद मचा हड़कंप, नेशनल हेल्थ कमीशन ने संदिग्ध जगहों पर टेस्टिंग कराने के दिए आदेश। जापान में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई चिंता। चीन के नानजिंग में नरसंहार की 83वीं बरसी को याद कर भावुक हुए लोग, 1937 में जापान की इंपीरियल फोर्सेस ने कर दी थी जुल्म की इंतहा।
अमेरिका के मशहूर म्यूजिक स्टार चार्ली फ्राई का कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद निधन। टेक्सास के डैलस में 86 साल की उम्र में चार्ली फ्राई ने ली अंतिम सांस।